अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिन्यामीन फ्रॉम फ्रंटियर एंटरप्राइजेस। आज हम आपके लिए हिल्टी, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड है ये पूरी दुनिया का, और इसकी लेके आए हैं हम इम्पैक्ट ड्राइवर। मॉडल पहले बताया तो आपको, मॉडल है जी इसका SID 121A, इसका मॉडल है। इस तरह के ब्रीफ केस में आता है, ये देखें दोनों साइड से ब्रीफ केस है। साइड पर देख सकते हैं यहाँ पर इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, बाकी इधर बड़ा बड़ा हिल्टी इन्होंने बॉक्स के ऊपर ही लिखा हुआ है। ये ब्रीफकेस टाइप है, और जल्दी से इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर से हमें क्या चीज़, कौन सा ख़जाना मिलता है। तड़ा, ये देखें जी, ये है, अभी आपको क्लोजअप दिखाता हूँ। ये देखें जी, अभी इसको बाहर निकाल के अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊँगा। इसके अंदर हमें मिलती है एक अदद मशीन, दो बैटरीज, एक चार्जर, बुकलेट्स और चीज़ें। इसको बाहर निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ मैं। यह है जी हमारी हिल्टी की फर्स्ट लुक, आप देखें। यह है जी हिल्टी कंपनी का इम्पैक्ट ड्राइवर, इसकी फर्स्ट लुक। दोनों साइड्स, ये फ्रंट है। अच्छा जी, बात की जाए इसकी साइड प्रोफाइल की, हिल्टी का यहाँ पे बड़ा बड़ा आपको लोगो नजर आएगा, मॉडल नंबर इधर लिखा हुआ नजर आएगा। बैक पे आप देख सकते हैं ये ब्रश्ड मोटर है, और इसके यहाँ पे कार्बन अंदर लगे हुए हैं, तो यहाँ से ये एयर आउट कर रहा है। बैक और नीचे पूरी ग्रिप के ऊपर इन्होंने रबर एंटी स्लिप ग्रिप दी हुई है। इस जगह पे देखें, ये एरो इन्होंने दिया हुआ है, ये लेफ्ट राइट का है, दूसरी तरफ से लेफ्ट है, एक तरफ से राइट है, ये इसका ट्रिगर है। फ्रंट साइड देखें, जो फ्रंट प्रोफाइल है इसकी, उस पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े इन्होंने दिए हुए, क्या कहते हैं, ग्रूव डले हुए। इस जगह पर आके दो दो चार एक पाँच अदद ग्रूव डले हुए हैं इस साइड पर, और नीचे भी तीन डले हुए ग्रूव्स। ये भी पूरी रबर कोटिंग हुई हुई है, बाकी प्लास्टिक बॉडी है टोटली ये, बट बहुत अच्छा हिल्टी का मटेरियल जो होता है वो आउटस्टैंडिंग होता है। फ्रंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन अदद LEDs दी हुई हैं, ताकि आप जो काम कर रहे हैं वो आपको नज़र आ सके। ये इसका चक दिया हुआ है बिट के लिए, वो आपको बिट लगा के दिखाता हूँ। नीचे आप देखें तो आपके पास दो स्पीड्स हैं, 1 और 2। अब आप इसका स्टिकर भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है जी, मेड इन स्विट्ज़रलैंड है। और अच्छा, एक और मज़े की बात आगे आपको जाके पता लगेगी, ये जो मशीन है इन्होंने यूज़ की हुई है, मेड इन स्विट्ज़रलैंड मशीन यूज़ की हुई है इन्होंने। 12 वोल्ट है ये, 2000 RPM से ले के 2600 RPM दोनों जा रहा है। अच्छा, दो स्पीड्स पे दे रहा है, 0 to 2000 RPM, और दूसरी स्पीड जो इसकी है वो 0 to 2600 RPM पर मिनट तक, 1 और 2 स्पीड्स जो इसकी हैं, ये उसके मुताबिक आप RPM एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके ऊपर बाकी चीज़ें तो कोई इतने काम की नहीं लिखी हुई। और अब दिखाता हूँ आपको इसकी बैटरी, एक उठा के, ये है जी इसकी बैटरी, नायकैट बैटरी है। और मुझे पता है कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे, ये वीडियो हमारी बहुत लेट है, क्योंकि हमारे पास अभी बॉक्स पैक पीस आया था, तो मैंने कहा इसकी वीडियो अनबॉक्सिंग की एक बना लें हम। ये सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियो अभी चल रही है इसकी, एंड में ज़रूर आपको मैं हल्का सा कंपेरिजन दे दूँगा, बट अभी नहीं, तो वीडियो पूरी देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसकी नायकैट बैटरी, 2 एम्पीयर की यूज़ की हुई है इन्होंने। नीचे आप देख सकते हैं बैटरीज जो यूज़ हुई हैं, ये आप बैटरीज देख सकते हैं, मेड इन जापान यूज़ हुई हैं बैटरीज। तो मेड इन जापान बैटरीज होगी, मशीन मेड इन स्विट्ज़रलैंड होगी, और ये चार्जर है, चार्जर भी इसका जो है ये 110 होता है, ड्यूल ऑप्शन चार्जर इसके अंदर इन्होंने यूज़ किया हुआ है इस बॉक्स के अंदर। यहाँ पे रिफ्रेश का आप देख सकते हैं बटन लगा हुआ है, ऊपर आपके पास तीन लाइट्स हैं, एक ग्रीन लाइट, वो मैं आपको बाद में बता दूँ। यहाँ पे नायकैट बैटरी लगेगी, यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी भी आपकी चलेगी। मॉडल है इसका C7/24, इसका मॉडल है चार्जर का। ये तो हो गया हमारा पूरा सेट। अच्छा जी, ये हमारे पास बिट है, स्टैंडर्ड बिट है, नॉर्मल आम जो लगी होती है हर एक में, यही यूज़ होती है जितने आपके इम्पैक्ट ड्राइवर्स आते हैं। इस चक को आपने ऊपर की तरफ पुल आउट करना है, और इस बिट को आपने डाल लेना, यूँ छोड़ देना, ये बिट पक्की लग चुकी हुई है। जब आपने बिट को रिमूव करना है, इसको दोबारा बाहर की तरफ निकालेंगे और रिमूव कर लेंगे। ये इसका बहुत आसान तरीका है ये। अब लगाते हैं नीचे बैटरी एक, और ये देखें इसकी वर्किंग। अब ये फ्रंट लाइट्स आप देख सकते हैं, वर्किंग के लिए काफ़ी अच्छी लाइट्स हैं, लेफ्ट राइट दोनों साइड। ब्रश मोटर है, आपको हल्का सा फील भी होगा इससे, अगर ब्रश मोटर फील कराती है, वो घूम रही है, अंदर नबर भी आ रही है कार्बन के साथ। ये अभी 1 RPM है, ये RPM अभी चेंज हो गए, ये 1 स्पीड है, ये 2 है। अब कुछ लोग सवाल करेंगे बैटरी टाइम कितना दे रही है, कितना नहीं देगी, मुझे कोई आइडिया नहीं, इसके ऊपर हम कोई बात नहीं कर रहे। अभी आपको मैं चार्जर की वर्किंग बताता हूँ, चार्जर आपका किस तरह चल रहा है। ये आपने बैटरी लेनी है,
जस्ट इस तरह आपने इस बैटरी को इसके ऊपर रखना है और प्रेस कर देना है। यहाँ पे अभी आप लाइट देखेंगे, ये क्योंकि फुल है अभी तो लाइट आपकी स्टेबल है, ये पावर की लाइट है। ये लाइट जब ब्लिंक करेगी तो चार्जिंग हो रही है, अगर ये लाइट जलती है तो आपकी हीट अप हो रही है ये, और ये रिफ्रेश का बटन इन्होंने दिया हुआ है हीट अप के लिए, अगर हीट अप होती है तो इसको रिफ्रेश करें तो आपकी चल पड़ेगी बैटरी। ये थी जी इसकी दो चीज़ें, इसके बॉक्स के अंदर से दो तीन चीज़ें और निकली हैं वो भी आपको। अच्छा जी, बॉक्स के अंदर से आपको मिलेगी एक अदर यूज़र मैनुअल मिलेगी इसकी SID 121A की, और एक अदद आपको मिलेगा यूज़र मैनुअल, इस चार्जर का भी अलग है यूज़र मैनुअल। और जी पैकेज के अंदर टोटल यही चीज़ें निकलती हैं, एक अदद आपका ये मेन मशीन निकलती है पैकेज के अंदर से, बिट मैंने खुद लगाई है आगे वो नहीं होती, दो 2 एम्पीयर बैटरीज होती हैं और एक अदद ड्यूल चार्जर होता है इसके अंदर, 12 वोल्ट इसकी कैपेसिटी है। और यहाँ पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले पहले मैं आपको ये बता चलूँ, बहुत से लोग कह रहे होंगे हाँ कि इसका जो है नायकैड है ब्रश्ड है, सारी बातें सही हैं, ये नायकैड टेक्नोलॉजी है, अभी लिथियम आयन आ चुकी हुई है, ठीक है, हर जगह लिथियम आयन ही ज़्यादा यूज़ हो रही है, बट ये हिलती है तो मैंने कहा इसकी अनबॉक्सिंग करना बनती तो है ज़रूर, तो हम इसकी इसलिए अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और अब आ गई हुई हैं ब्रशलेस मोटर्स भी आ गई हैं ये ब्रश। तो ये थी जी हमारी छोटी सी वीडियो हिलती SID 121A की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, आगे फर्दर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।